शुरुआत करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। आज सबसे पहले आपको कीव से प्रधानमंत्री मोदी के 10 बड़े शांति मंत्र बताएंगे, जेलेंस्की के साथ इमोशनल मुलाकात की वीडियो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, फिक्र के लेंस से ये भी देखेंगे कि भारत तो शांति चाहता है लेकिन वो कौन सा देश है जो युद्ध भड़काने पर तुला हुआ है। हमारी ये रिपोर्ट दुनिया की आंखें खोलने वाली होगी। इसके अलावा एक खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश किया है या ऐसा करने की वो सोच रहे हैं। उन्हें ये खबर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ऐसी आशंका है कि सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद कर सकती है। इसके बाद फिक्र के दर्शकों को उनकी सेहत से जुड़ी नई जानकारी देंगे। केंद्र सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाओं पर बैन लगा दिया है। इनका इस्तेमाल सर्दी, बुखार और एलर्जी के लिए किया जाता था, वो दवाएं कौन सी हैं आप इसे नोट कर पाएंगे। वैसे आज एक पॉलिटिकल खबर भी खूब ट्रेंडिंग है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। गृह मंत्री के 10 सवाल कांग्रेस एनसी गठबंधन पर आधारित है, जिसमें एक सवाल है कि क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करते हैं। बाकी के 9 सवालों की लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। आज आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन के साथ एंटी इंडिया रुझान आने लगे हैं। बांग्लादेश ने अब वहां आई बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कैसे इस आरोप पर ढाका की बोलती बंद की ये भी दिलचस्प है। एक बड़ी खबर बिजनेसमैन अनिल अंबानी पर है जिन्हें सेबी ने 5 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। अनिल अंबानी पर RHFL यानी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के फंड का धोखाधड़ी से इस्तेमाल करने का आरोप है और इसी आरोप के तहत सेबी ने उन पर 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुवीय पर लैंडिंग की थी। पीएम मोदी ने आज स्पेस डे के मौके पर देश के साथ साथ सभी वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है। फिक्र में सबसे पहले वो तस्वीर जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, वो संदेश जिसे यूक्रेन की राजधानी कीव से पूरी दुनिया सुनना चाहती थी, जिसे सुनने के लिए अमेरिका ने 8000 किलोमीटर दूर से अपने दोनों कान लगा रखे थे और बगल से मॉस्को भी कीव की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। सबको इंतजार इस बात का था कि कीव पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को क्या संदेश देने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी कीव में युद्ध में शांति लाने के लिए कैसा प्रयास करने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब जेलेंस्की से मिलेंगे तो द्विपक्षीय वार्ता में उनसे क्या कहेंगे और कीव में ऐसी कौन सी बात कहेंगे जिससे 2.5 साल से बम बंदूक और गोली झेलने वाले यूक्रेन के लोगों के जख्मी दिलों पर मरहम लगाने का काम होगा। तो सबसे पहले बिना देरी के हम आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच करीब 3 घंटे की लंबी बैठक चली। इस दौरान बातचीत का आधा फोकस रूस यूक्रेन युद्ध ही रहा। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को वॉर जोन की लेटेस्ट जानकारी दी तो पीएम मोदी ने उन्हें युद्ध में शांति लाने वाले 10 बड़े संदेश दिए। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से पहली और सबसे बड़ी बात यह की कि वो भारत से शांति संदेश लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी बात यह कही कि युद्ध से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तीसरी बड़ी बात यह कही कि युद्ध खत्म करने के लिए गंभीर और व्यवहारिक प्रयास करने होंगे। चौथी बड़ी बात यह कहेगी बातचीत और कूटनीति से ही शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। पांचवी बड़ी बात यह कि रूस और यूक्रेन दोनों ही बिना समय गंवाए जल्द से जल्द बातचीत शुरू करें। छठी बात यह कि युद्ध की विभीषिका से दुख होता है। सातवीं बड़ी बात पीएम मोदी की यह थी कि भारत शांति के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। और आठवीं बात यह कि भारत न्यूट्रल देश नहीं, भारत का पक्ष शांति का पक्ष है। नौवीं बड़ी बात यह थी कि आंख से आंख मिलाकर पुतिन से उन्होंने ये कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। और दसवीं बड़ी बात ये कही कि मानवीय सहायता के लिए भारत सदैव यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसके बाद जेलेंस्की ने क्या कहा वो भी सुनिए। जेलेंस्की ने पीएम मोदी की अपील पर रूस से बातचीत की सभी शर्तें बताई, ये भी बताया कि शांति लाने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर ग्लोबल पीस समिट में भारत से बड़ी भूमिका निभाने की अपील भी की। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे,
हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। शांति का संदेश लेकर के आया एक्शन से आप भले भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भले भांति जानते हैं, इस शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भले भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी मांग कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। सुना आपने पीएम मोदी ने कीव में जेलेंस्की के सामने किस तरह शांति की बात की। याद कीजिएगा, मोदी जब जुलाई में पुतिन से मिले थे तब उनसे क्या कहा था। वहां भी पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यही बात रखी थी कि रक्त बहाने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। वैसे युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड शुरू से यही रहा है और आज भारत की इस बुद्ध नीति को खुद जेलेंस्की ने भी दिल से महसूस किया होगा। अब आपको कीव से आज की सभी वर्ल्ड ट्रेंडिंग तस्वीरें दिखाते हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर आज सुबह 7:30 बजे कीव पहुंचे थे। यहां कुछ घंटे बाद जब वो जेलेंस्की से मिले तो सबसे पहले आगे बढ़कर जेलेंस्की से हाथ मिलाया, फिर उन्हें गले लगा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जेलेंस्की की पीठ भी थपथपाई, जैसे वो घर के बड़े की तरह जेलेंस्की को हौसला देने की कोशिश कर रहे हो। याद कीजिए, जुलाई में जब पीएम मोदी मॉस्को गए थे तब वहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी कुछ इसी अंदाज में गले लगा लिया था। हालांकि तब पुतिन से पीएम मोदी का गले मिलना जेलेंस्की को रास नहीं आया था। उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर आलोचना की थी। कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का पुतिन को ऐसे गले लगाना शांति वार्ताओं की कोशिशों को झटका है। लेकिन आज जब पीएम मोदी ने जेलेंस्की को गले लगाया होगा तब शायद जेलेंस्की को अपनी उस पोस्ट पर पछतावा जरूर हुआ होगा। उन्हें शायद ये एहसास हुआ होगा कि उनसे जाने अनजाने में बड़ी भूल हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो शांति के पक्ष में है और उसके प्रयास शांति वार्ताओं की कोशिशों के लिए झटका नहीं है, बल्कि ये प्रयास हताशा और निराशा के माहौल में अमन की उम्मीद जगाते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कीव दौरे की जानकारी प्रेस को दे रहे थे तो उनसे एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि पीएम मोदी ने पुतिन को गले क्यों लगाया था। इसके जवाब में एस जयशंकर ने जो कहा उस जवाब ने पूरे पश्चिमी मीडिया का मुंह बंद कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। You talked about Prime Minister Modi's visit to Moscow last month, and a lot of people here were very upset to see that embrace between the two leaders. In our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. In fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean.
अब आपको कीव से आज की दूसरी वर्ल्ड ट्रेंडिंग तस्वीर भी दिखाते हैं। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को सिर्फ गले नहीं लगाया था बल्कि सच्चे दोस्त की तरह काफी देर तक उनके कंधों पर हाथ भी रखे हुए नजर आए। पीएम मोदी और जेलेंस्की की इस तस्वीर पर भी चर्चा खूब हो रही है। वैसे जब ये तस्वीर हमने आपको दिखा ही दी है तो फिर पुतिन से इसी अंदाज में मिलने वाली पीएम मोदी की ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। तब वो पुतिन के कंधे पर दोस्ती भरे अंदाज में हाथ थपथपाते नजर आए थे। ये गले मिलना, पीठ थपथपाना असल में मोदी की कूटनीति का पर्सनल टच है जिसमें वो मित्र देशों से अपनी निकटता जाहिर करते हैं। आप इसे अब इन 6 तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर इसी वर्ष जून की है। पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे थे। वहां जेलेंस्की भी मेहमान थे। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को गले लगाया था, उनसे हाथ मिलाया था। दूसरी तस्वीर इसी वर्ष जुलाई महीने की है। पीएम मोदी मॉस्को दौरे पर थे, वहां पुतिन को गले लगाया था, उनसे हाथ मिलाया था। और तीसरी तस्वीर आज की है। पहली बार कीव पहुंचे पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को गले लगाया, उनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया और भारत से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। अब आपको कीव से वायरल हुई तीसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की पीएम मोदी को साथ लेकर यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीएम मोदी को जानकारी दी कि युद्ध में अब तक कितने बच्चों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। उन्होंने युद्ध में मारे गए बच्चों को दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर एक डॉल भी रखी। इस म्यूजियम में युद्ध में मारे गए बच्चों की याद में खिलौने रखे गए हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का बच्चों से खास लगाव है और युद्ध में बच्चों का मारा जाना चूंकि एक त्रासदी है इसलिए उन्होंने ये दुख मॉस्को दौरे पर पुतिन के सामने भी जाहिर किया था और आज जेलेंस्की से मिलकर एक बार फिर यही पीड़ा व्यक्त की। हम लंबे समय से एक बात सुनते आए कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था। Your Excellency, we've been talking about the war, which has been going on for a long time, and the first casualty of the war is truth. Today, when I had an occasion to pay my respects to the children who had lost their lives, and I went to the memorial which was constructed in their memory along with you, my heart was filled with emotions, and my heart felt. वैसे आज पीएम मोदी के कीव दौरे से जेलेंस्की को ये भी एहसास हुआ होगा कि 2.5 साल से लगातार युद्ध को कौन भड़का रहा है और कौन सा देश सही मायनों में शांति चाहता है। क्योंकि आज ही खबर आई कि अमेरिका ने रूस से जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को $125 मिलियन की नई सैन्य मदद देने का ऐलान किया है, जिसके तहत यूक्रेन को अमेरिका से एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लेकर आर्टिलरी शेल्स तक मिल सकते हैं। जबकि पीएम मोदी ने कीव पहुंचकर यूक्रेन को आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब दिए जिसके जरिए आपदा के समय घायलों का इलाज मौके पर ही किया जा सकेगा। इसे कहीं भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है और एक क्यूब के सेट में एक वक्त में 200 मरीजों का इलाज हो सकता है। यानी एक ही समय में युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारत के आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब से 800 घायलों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। खैर, जब बात पीएम मोदी के कीव दौरे की हो ही रही है तो आपको वहां से कुछ और ग्लोबल तस्वीरें भी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे पीएम मोदी के कीव दौरे के वक्त हर पल साथ थे। पहली बार भारत का कोई न्यूज चैनल यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचा था। इसे मारिंस्की पैलेस कहा जाता है। यहां पीएम मोदी ने विजिटर बुक पर क्या लिखा, इस पर कीव से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कीव यात्रा के दौरान इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ यूक्रेन की पहुंच चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक आवास है। और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहां पर आए थे और यहां पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं
कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है, उन्होंने सिग्नेचर किया और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं इस टेबल पर बैठकर। और जब वो इस कमरे में प्रवेश किए तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी उनके सामने मौजूद थे उनके साथ। तो कुल मिलाकर आपको इतना तो पता चल ही गया है कि भारत युद्ध में शांति लाने के गंभीर प्रयास कर रहा है। यूएन को भी भारत से यही उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का लेटेस्ट बयान है कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करा सकती है। लेकिन जंग क्या इतनी आसानी से खत्म होगी? वॉर जोन से भी आज हमारे पास कई बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी खबर यह है कि रूस कुर्स्क पर कब्जे का जवाब कल यूक्रेन पर बड़ा हमला करके दे सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स अमेरिका के पास से सामने आई हैं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि रूस के ड्रोन जर्मनी के आसमान में देखे गए हैं, जिससे वहां पुतिन की मंशा को लेकर डर फैल गया है। रूसी शहर कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स लगातार आगे बढ़ रही है। एक दिन पहले ही कुर्स्क में एक और बस्ती पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि अब तक 93 रूसी बस्तियों पर यूक्रेन का नियंत्रण हो चुका है। लेकिन यूक्रेन यहीं पर रुकने वाला नहीं है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि कुर्स्क के बाद यूक्रेन का अगला टारगेट क्रीमिया हो सकता है। वो किसी भी दिन क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर सकता है। रूस को इनपुट मिले हैं कि यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज पर एक साथ कई मिसाइलों से हमले कर सकता है। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने के लिए नेपच्यून मिसाइल लॉन्च कर सकता है और क्रीमिया ब्रिज के आसपास तैनात रूसी एयर डिफेंस को निशाना बना सकता है। यूक्रेन अगर इतना आक्रामक है तो जवाब रूस की ओर से भी देने की तैयारी है। 24 अगस्त यानी शनिवार को यूक्रेन राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाएगा। इसी तारीख को यूक्रेन 1991 में सोवियत यूनियन से टूटकर अलग देश बना था। ऐसी खबरें हैं कि रूस इस दिन कीव पर बड़े अटैक करने वाला है। ऐसा अंदेशा अमेरिका और चीन भी जता रहे हैं। इसलिए दोनों ही देशों ने अपने अपने नागरिकों को तुरंत यूक्रेन छोड़ देने के लिए कहा है। अब सवाल यह है कि रूस ऐसा कदम क्यों उठाएगा? तो इसका एक जवाब कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट भी हो सकता है। पुतिन ने एक दिन पहले ही शक जताया था कि यूक्रेन ने यहां हमले की कोशिश की है। पुतिन को लगता है कि कुर्स्क में यूक्रेन को बढ़त के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ है। रूस ने इस संबंध में नेटो को चेतावनी भी दी थी। इस बीच खबर यह भी है कि रूस के ड्रोन जर्मनी के आसमान में नजर आए। आठ अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक रूस में बने ओरियन 10 ड्रोन कई बार जर्मनी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब मंडराते दिखे हैं। ये लंबी दूरी तक अटैक करने वाले ड्रोन बताए जा रहे हैं। वहीं जर्मनी में कथित रूसी ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो भी सतर्क हो चुका है। जर्मनी में नेटो ने चार्ली 2 अलर्ट जारी किया है। ग्लेनकिरचेन में सैन्य अड्डे के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है और ये इसलिए अहम है क्योंकि सटीक इनपुट पर ही नेटो की ओर से चार्ली 2 अलर्ट जारी होता है। फिक्र में वॉर जोन के बाद बात फ्लड जोन की करते हैं और बांग्लादेश के बाढ़ वाले झूठे आरोपों पर ढाका को आईना दिखाते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सत्ता क्या बदली, बाढ़ का पानी भी भारत विरोधी दुष्प्रचार का टूल बन गया है। खबर यह है कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों में इन दिनों विनाशकारी बाढ़ आई है। ताजा अपडेट के अनुसार 11 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। इन जिलों में 45 लाख लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इसके अलावा 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 8 लाख से ज्यादा की आबादी के पास पीने के लिए पानी नहीं है।
अब बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी संगठन बाढ़ के बहाने ढाका में भारत विरोधी नैरेटिव चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों की बाढ़ आई है जिनमें भारत को इस आपदा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भारत विरोधी सोच रखने वाले हैशटैग इंडिया आउट, हैशटैग शेम ऑन इंडिया जैसे कैंपेन चला रहे हैं। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भारत ने त्रिपुरा में गोमती नदी पर बने डंबूर बांध के गेट खोल दिए, जिसके कारण बांग्लादेश के निचले हिस्सों में बाढ़ से तबाही हुई है। भारत ने बांग्लादेश को बिना किसी पूर्व सूचना के बांध के गेट खोले, जिससे कई इलाके डूब गए। भारत का डैम के गेट खोलकर बांग्लादेश की तरफ पानी छोड़ना अमानवीय कृत्य है। इसको लेकर ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे छात्रों ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा है कि भारत ने बिना पूर्व सूचना के बांध खोलकर अमानवीयता दिखाई है। अब बांग्लादेश के बाढ़ वाले आरोपों का भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। भारत ने बताया है कि बांग्लादेश में बाढ़ का असल कारण क्या है। भारत पर जानबूझकर बांध के गेट खोलने का आरोप लगाने वाले बांग्लादेश को सामान्य सोच समझ के गेट खोलने की जरूरत है, ताकि वो असल स्थिति को समझें। विदेश मंत्रालय के जवाब में क्या तर्क और तथ्य हैं, ये देखिए। बांग्लादेश में बाढ़ गोमती नदी पर बने भारतीय डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नहीं आई है। बांग्लादेश जो आरोप लगा रहा है, उसके निचले इलाकों में बाढ़ गोमती नदी पर बने डुम्बर डैम के गेट खोलने से आई है। ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हम ये बताना चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली गोमती नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में इस वर्षा की सबसे भारी बारिश हुई है। बांग्लादेश में बाढ़ मुख्य रूप से बांध के नीचे की ओर इन बड़े जल ग्रहण क्षेत्रों के पानी के कारण आई है। डंबूर बांध बांग्लादेश की सीमा से 120 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित है। करीब 120 किलोमीटर लंबे नदी के रास्ते में अमरपुर, सोनामुरा और सोनामुरा 2 में 3 जल स्तर निगरानी स्थल हैं। बीते 21 अगस्त से पूरे त्रिपुरा और उससे सटे बांग्लादेश के कुछ जिलों में भारी बारिश हो रही है। तेज बहाव के कारण पानी स्वतः जा रहा है। 21 अगस्त को दोपहर 3 बजे तक बांग्लादेश को गोमती नदी के जल स्तर के आंकड़े भेजे गए थे। शाम 6 बजे बाढ़ के कारण बिजली चली गई, जिसके बाद आंकड़े शेयर नहीं किए गए। भारतीय विदेश मंत्रालय के जवाब पर बांग्लादेश का रिएक्शन भी सामने आया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी शफीकुल आलम ने बांग्लादेशी मीडिया को भारत के जवाब की जानकारी दी है। इसके साथ ही हमने इस विषय पर एक्सपर्ट से बातचीत की है, ताकि इस विवाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। भारत और बांग्लादेश 54 नदियों का बहाव शेयर करते हैं, यानी दोनों देशों के बीच 54 नदियों वाले बॉर्डर हैं। इनमें भारत के एक राज्य त्रिपुरा की भी नदियां शामिल हैं। त्रिपुरा में डंबूर बांध है जो गोमती नदी पर बना है। गोमती नदी लगभग 133 किलोमीटर लंबी है, जो त्रिपुरा के अमरपुर, उदयपुर और सोनमुरा जैसे शहरों से पश्चिम की ओर बहती है और बांग्लादेश में गिरती है। कई बार भारी बारिश के बाद ये नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनती है। जैसे मौजूदा समय में त्रिपुरा में बाढ़ से भयानक हालात हैं। ये राज्य वर्ष 1956 के बाद सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना कर रहा है। राजधानी अगरतला के 80% से अधिक हिस्से में पानी भरा हुआ है। हमने त्रिपुरा की बाढ़ पर एक न्यूज रील तैयार की है। इसे देखने के बाद शायद बांग्लादेश को यह समझ आए कि सैलाब दोनों देशों का साझा संकट है, इसमें कोई साजिश नहीं है। इक्कीस 22 अगस्त को भारी वर्षा हुई है त्रिपुरा स्टेट में, 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। इसको लेकर के कई इलाके में इनंडेशन है, फ्लडिंग हो गया है, कई इलाके कट गए हैं। जो हमारे पास SEOC से सूचना मिली है, उसमें 23 लोग के मारे जाने की सूचना है। वर्षा हुई है उसको लेकर के तकरीबन 9000 हेक्टेयर एरिया जो है वो प्रभावित हुआ है। तकरीबन 900 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर भारत विरोधी और भारत के लोगों को भड़काने वाले पोस्ट पर टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्युत माणिक्य देव बर्मन ने चेतावनी दी है। उन्होंने आक्रामक लहजे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पूछा कि अभी त्रिपुरा और बाकी पूर्वोत्तर में कितने बांग्लादेशी छात्र पढ़ रहे हैं।
अगर ये उकसाने वाली हरकतें उनकी तरफ से जारी रहीं तो टिपरा मोथा हमारे क्षेत्र और राज्य से हर एक बांग्लादेशी को बाहर निकाल देगा। वैसे इन चर्चाओं के बीच त्रिपुरा में बाढ़ के हालात खतरनाक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को तुरंत 40 करोड़ रुपए की मदद दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के सीएम से बात की है। एनडीआरएफ की 11 टीमें, सेना की 3 टुकड़ियां और वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं। अब इस खबर के दूसरे और अहम हिस्से की बात भी करते हैं, जिसके केंद्र में है शेख हसीना। शेख हसीना जान बचाकर बांग्लादेश से भारत जरूर आ गई, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है, यानी जिस पासपोर्ट को लेकर शेख हसीना भारत आई थी अब वो मान्य नहीं है। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का दबाव बनेगा। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश के आधिकारिक या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारी व्यक्ति को भारत में बिना वीजा के 45 दिन तक रहने की इजाजत है। भारत में शरण लेने की वजह से भले ही शेख हसीना को ठहरने में दिक्कत ना हो, लेकिन किसी और मुल्क में वो अब नहीं जा पाएंगी। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ 49 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें हत्या के 40 मुकदमे हैं, नरसंहार के 7 मुकदमे हैं, 1 अपहरण का मुकदमा है और 1 मुकदमा बीएनपी के जुलूस पर हमला करने वाले का है। माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। बीते 16 अगस्त को शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ा सवाल टीवी9 संवाददाता मनीष झा ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा था। तब विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अभी ये काल्पनिक स्थिति है, यानी बांग्लादेश की तरफ से अब तक मांग नहीं की गई है। फिक्र में अब बात देश के उन लोगों की जिन्होंने सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश किया है, और वो लोग भी ये खबर ध्यान से देखें जो इस स्कीम में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए चिंताजनक संकेत हैं, क्योंकि अब इस योजना पर कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बहुत जल्द सरकार सस्ता सोना बेचना बंद करने वाली है? क्या सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने की कोई तैयारी कर रही है? ये ऐसी गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जिसमें निवेशकों को बंपर फायदा हो रहा है, इसलिए सवाल ये है कि पेच कहां फंसा है। इन्हीं सवालों पर आज हमने फिक्र का एक चार्ट बनाया है, जिसमें सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद होने के संकेत क्यों हैं? पहले इसे समझिए। दरअसल सूत्रों के अनुसार सरकार इस स्कीम को महंगा और जटिल मान रही है, इसी कारण इसे बंद करने पर विचार किया जा सकता है और मुमकिन है जल्द ही कोई फैसला भी ले लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो यह योजना 10 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाएगी। अब आपको यह भी बताते हैं कि सरकार को गोल्ड बॉन्ड स्कीम आखिर महंगा सौदा क्यों लग रही है। असल में नवंबर 2015 में इस स्कीम की शुरुआत सरकार ने एक खास मकसद के साथ की थी। इसमें सरकार लोगों को बाजार से कम भाव पर सोने में निवेश करने का विकल्प देती है, लेकिन इसका मुख्य मकसद सोने के आयात को कम करना था। पर सूत्रों के अनुसार सरकार को यह महसूस हो रहा है कि ना तो यह मकसद पूरा हो रहा है और बदले में उसे नुकसान भी हो रहा है। अब स्थिति है कि गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर सरकार को निवेशकों को दोगुने से भी ज्यादा पैसा लौटाना पड़ रहा है, साथ ही मैच्योरिटी की रकम पर सालाना 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी सरकार निवेशकों को दे रही है। इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बावजूद सोने के आयात में इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 की पहली छमाही में गोल्ड इंपोर्ट 16% बढ़ गया है। इसके अलावा यह योजना सरकार को महंगी क्यों लग रही है, इसकी वजह भी आइए आपको बताते हैं। इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत वर्ष 2015 के नवंबर महीने में हुई थी। उस समय गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस 2684 रुपए प्रति ग्राम था, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल में पूरी होती है। इसीलिए जिन लोगों ने 2015 में गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था उनकी मैच्योरिटी नवंबर 2023 में पूरी हो गई है, और तब के गोल्ड रेट के अनुसार सरकार ने निवेशकों को रिटर्न के लिए 6132 रुपए प्रति ग्राम तक तय किया था। यानी जिन लोगों ने 2684 रुपए गोल्ड बॉन्ड में लगाए उन्हें रिटर्न पर 228% का जबरदस्त मुनाफा हुआ। अब निवेशकों को भले ही गोल्ड बॉन्ड से फायदा हो रहा हो, लेकिन सरकार को लगता है कि गोल्ड बॉन्ड उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं।
सरकार ने इस साल बजट में भी ये बताया था कि उसके ऊपर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों का बकाया तेजी से बढ़ा है। इस बकाए का आंकड़ा मार्च 2020 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का था, जो अब बढ़कर 85,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि यह सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आखिर निवेशकों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय क्यों हो गई। इस योजना के तहत लोगों को सरकार जो गोल्ड बॉन्ड देती है उसकी कीमत बाजार में मिलने वाले सोने से कम होती है, यानी गोल्ड बॉन्ड सस्ते होते हैं। साथ ही ऑनलाइन खरीदारी पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है और 2.5% का निश्चित ब्याज भी है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को फिजिकल गोल्ड के निवेश पर होने वाले कई नुकसान की चिंता नहीं होती, जैसे बाजार से गोल्ड खरीदने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत प्योरिटी को लेकर होती है। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल गोल्ड को घर या फिर लॉकर में सुरक्षित रखना भी अलग समस्या है, जो गोल्ड बॉन्ड के साथ नहीं है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड योजना में मेकिंग चार्ज का भी कोई झंझट नहीं होता है, यानी गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए शुद्ध लाभ का सौदा है। हम आपको इस योजना पर सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि लोगों में इस स्कीम के प्रति कितनी ज्यादा रुचि है। जब से ये स्कीम शुरू हुई थी तब से अब तक निवेशकों ने 72,274 करोड़ के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी खरीदारी में जबरदस्त इजाफा हुआ था और 27,031 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए थे। ये गोल्ड बॉन्ड 44.34 टन सोने के बराबर होते हैं, यानी गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड के प्रति भारत के लोगों का प्रेम आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। भारत के लोगों को यह भी लगता है कि सोने में निवेश करना आज भी सबसे सुरक्षित और फायदे का सौदा है। पर अब खबर यह है कि सरकार इस गोल्ड स्कीम पर लॉक लगा सकती है, लेकिन इस योजना को बंद करने पर विचार क्यों है? कुछ जरूरी सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछे हैं, उनके जवाब जानना आपके लिए भी जरूरी है। मान लीजिए मैंने 10 साल पहले या 7 साल पहले 8 साल पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब मैंने इसके अंदर मान लीजिए 1,00,000 रुपए लगा दिया। उस समय सोने का रेट था मान लीजिए 40,000 जो भी था, आज वो बढ़ के हो गया 60, 70, 80 जो भी हो, रेट डबल हो गए। मेरे लिए सिक्योरिटी है, मुझे कुछ करना नहीं। अब सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डेवलपमेंट होंगे रिस्क बढ़ेगा, तो उस चक्कर में लोग स्टॉक मार्केट्स में या कॉमोडिटीज़ में पैसा ना लगा के गोल्ड में लगा देंगे। जब ज़्यादा लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं सप्लाई तो लिमिटेड है, वो जो रेट बढ़े वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जंजाल बन गया। जो सरकार ने पैसा गोल्ड के नाम पे जो लेके लिक्विडिटी क्रिएट करी और उसको इन्वेस्ट किया, उस पर शायद इतना रिटर्न नहीं मिला होगा जितने प्राइस गोल्ड के बढ़ गए। तो हुआ क्या कि आपको रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए 6%, लेकिन आपको पे करना पड़ रहा है 12%। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ इससे बजट पे लोड आएगा। वैसे आपसे हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि सरकार नए गोल्ड बॉन्ड ना जारी करे, लेकिन जिन लोगों ने पहले से निवेश किया हुआ है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब फिक्र की बिजनेस वाली फाइल्स खोलते हैं, बात उस खबर की करते हैं जिसने आज शेयर बाजार में हलचल मचा दी। इस खबर के केंद्र में उद्योगपति अनिल अंबानी हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ सेबी ने आज बड़ा एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी को शेयर मार्केट से 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। इस बैन के बाद अनिल अंबानी शेयर मार्केट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा उनके ऊपर 25 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। अगले 5 वर्षों तक किसी भी लिस्टेड कंपनी या सेबी की रजिस्टर्ड इकाई में उनके निदेशक या प्रबंधक का पद संभालने पर रोक लगाई गई है। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL पर भी 6,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस कंपनी को 6 महीने के लिए शेयर मार्केट से बैन भी किया गया है। अनिल अंबानी के अलावा 24 अन्य संस्थाओं को भी शेयर मार्केट से बैन किया गया है। इनमें RHFL के कुछ पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इनके खिलाफ 21 से 25 करोड़ के बीच अलग अलग स्तर का जुर्माना लगाया गया है। इस एक आदेश से अनिल अंबानी की 3 कंपनियों का मार्केट कैप 2,126 करोड़ रुपए कम हो गया है। अब आपको ये बताते हैं कि सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ इतना कठोर एक्शन लिया क्यों। सेबी ने 222 पन्नों के आदेश में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
इसमें सबसे बड़ा आरोप गलत तरीके से फंड को डाइवर्ट करने का है। सेबी ने आदेश में कहा है कि अनिल अंबानी ने RHFL के मैनेजमेंट की मदद से फंड निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई थी, जिसमें फंड की हेराफेरी की गई। ऐसी कंपनियों को लोन दिए गए जिनकी नेटवर्थ ना के बराबर थी। हालांकि RHFL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस तरह के लेन देन के तरीके को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे। कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा की गई थी, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने इन आदेशों की अनदेखी की। अनिल अंबानी ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ADA ग्रुप के चेयरमैन के रूप में अपने पद और RHFL की होल्डिंग कंपनी में अपनी इनडायरेक्ट हिस्सेदारी का इस्तेमाल किया। सेबी के कठोर एक्शन के पीछे की वजह है फंड डायवर्जन। हमने इस पूरी खबर को और आसानी से समझाने के लिए काफी रिसर्च की है, जिससे फंड डायवर्जन से जुड़ी जो बातें सामने आई हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। स्टॉक मार्केट में फंड डायवर्जन का मतलब होता है किसी कंपनी के फंड का बिना आधिकारिक अनुमति लिए ऐसे कामों में इस्तेमाल करना जिनका उस कंपनी से कोई जुड़ाव ना हो। अनिल अंबानी के मामले में मैनेजमेंट की मदद से RHFL का फंड निकालने के लिए ऐसी योजना बनाई गई जो नियमों के खिलाफ थी। नियम ये कहता है कि अगर कंपनी के फंड का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य में किया जाता है जिसका उस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए बोर्ड से अनुमति लेनी होती है और लिखित में कंपनी के फैसले लेने वाले व्यक्ति से आदेश जारी कराना होता है। इसी नियम का उल्लंघन करने की वजह से अनिल अंबानी बुरी तरह फंस गए हैं। और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनावी आंच तेज हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो राहुल गांधी के लिए बाकायदा 10 सवालों वाला प्रश्न पत्र रिलीज कर दिया है। उन्होंने इसे सत्ता के लालच का गठबंधन बताया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। गृह मंत्री ने पूछा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? 1, 2, 9, 10 तीखे सवाल पूछे हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? इसके अलावा क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? चौथा सवाल यह कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार के आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? पांचवा सवाल यह कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है? सातवां सवाल यह था कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? नवा सवाल यह कि क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और दसवां सवाल यह कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अमित शाह के उठाए गए सवाल को लेकर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि BJP और उसके नेता हमें पसंद नहीं करते। कांग्रेस ने भी इन सवालों पर जवाब दिया है। और भाजपा किसी भी तरह से कोई चांस नहीं है कि जम्मू कश्मीर में किसी के भी साथ भी मिलके अपनी सरकार बना सके। इसलिए बौखला गए हैं, इसलिए मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी तय है, पार्लियामेंट में भी हमारी तय थी। हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से, हमारे मैनिफेस्टो की हिसाब से काम करेंगे और NC के साथ हमारा मिनिमम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, वो उससे हम मिलके काम करना चाहते हैं। लेकिन सर, इस टकराव के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई सरप्राइज एंट्री देखने को मिल सकती है। खासकर कई नौकरशाह रिटायरमेंट के बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं।
जिसमें रिटायर्ड डीजीपी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के ऑफिसर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से चुनावी किस्मत आजमाने के लिए जिन पुलिस अधिकारियों के नाम की चर्चा हो रही है, उसमें पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद, पूर्व डीआईजी इसरार खान, पूर्व एसएसपी मोहन कैथ और एसएसपी मोहनलाल भगत के नाम काफी सुर्खियों में हैं। जिन पुलिस अफसरों के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है, उनमें ज्यादातर की कोशिश बीजेपी से उम्मीदवार बनने की है। इसके लिए पूरा जोर भी लगाना शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भी उन्हें चुनावी पिच पर उतारने की तैयारी में है। खासकर दलित समुदाय के लिए सुरक्षित सीटों पर ज्यादा जोर है। इनमें से बीजेपी चुनाव लड़ने वाले नामों के संभावित उम्मीदवारों के पैनल में भी उन्हें रखा गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में चुनाव लड़ने वाले अफसरों के नाम सामने भी आ जाएंगे। ऐसी चर्चा है कि पूर्व डीजीपी एसपी वैद कठुआ या फिर जम्मू संभाग की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एसपी वैद कठुआ के महानपुर कस्बे के रहने वाले हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व डीआईजी इसरार खान नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले ही शामिल हो चुके हैं, वो कश्मीर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें उमर अब्दुल्ला का काफी करीबी माना जाता है। पूर्व एसएसपी मोहन कैथ जम्मू जिले के मढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। मढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। माना जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। एसएसपी मोहनलाल भगत ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। मोहनलाल भगत बीजेपी के टिकट पर अखनूर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट दलित समुदाय के लिए आरक्षित है। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियां चल रही हैं, तो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में आतंकियों और डकैतों के बीच हथियारों वाला कॉम्पिटिशन चल रहा है। इन तस्वीरों में वो डकैत हैं जिन्होंने 12 पुलिस वालों को रॉकेट लॉन्चर से मार डाला। ध्यान से सुनिए, डकैतों ने रॉकेट लॉन्चर से पुलिस पर हमला किया। ऐसा आपने पहले शायद कभी नहीं सुना होगा। डकैतों का जिक्र आते ही आपके जहन में एक तस्वीर उभरती हो, जैसे वो घोड़े पर धूल उड़ाते हुए आएंगे, कंधे पर दो नाली बंदूक टंगी होगी। फिल्मों में भी आपने ऐसे ही सीन देखे होंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के डकैत भी ऐसे ही होते हैं? जवाब है नहीं। पाकिस्तान के डकैत बंदूक नहीं, रॉकेट लॉन्चर वाले होते हैं। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान के रहीम यार खान में पुलिस की दो गाड़ियां बाढ़ में फंस गई। डकैत पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि पुलिस की गाड़ियां फंस गई हैं, उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया। ये वो डकैत हैं जो घोड़ों पर चढ़कर नहीं बल्कि गाड़ियों में भरकर आए थे। इस हमले के बाद कुछ पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया। इन दो गाड़ियों में 20 से ज्यादा पुलिस वाले सवार थे, लेकिन इन पर डकैत भारी पड़ गए। जब ये खबर आई तो रिसर्च के दौरान हमने अपनी लाइब्रेरी से पाकिस्तानी डकैतों से जुड़े कुछ तथ्य निकाले जो आपको हैरान कर देंगे। ये तथ्य बताते हैं कि पाकिस्तान के डकैत कितने हाईटेक हो चुके हैं और उनके सामने पाकिस्तानी पुलिस क्यों बेबस है। पाकिस्तानी डकैतों के पास अत्याधुनिक हथियार है। इनमें रॉकेट लॉन्चर है, एंटी एयरक्राफ्ट गन है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी शामिल है। पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद है, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद डकैतों के पास इंटरनेट की सुविधा होना अपने आप में हैरानी की बात है। डकैतों के पास ऐसे हाईटेक हथियार हैं तो पुलिस के पास क्या है? पाकिस्तानी पुलिस के पास जर्मन मेड G3 और क्लाशनकोव राइफल्स हैं। अब आप ही सोचिए, जब पाकिस्तानी डकैत बख्तरबंद गाड़ियों में आएंगे, रॉकेट लॉन्चर और एंटी एयरक्राफ्ट गन लेकर हमला करेंगे, तो पुलिस कैसे मुकाबला कर पाएगी? अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कॉमन सेंस वाली लड़ाई की। एक तरफ हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, तो कमला हैरिस को क्रेजी कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हैं कमला हैरिस। उन्होंने कॉमन सेंस शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप की बुद्धि पर सवाल उठा दिए। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के आखिरी दिन कमला हैरिस ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी स्वीकार कर ली। ऐसा करने वाली वो पहली अश्वेत उम्मीदवार हैं। कमला हैरिस ने अपने संबोधन में जहां एक ओर डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष किए, तो वहीं अमेरिका के मिडिल क्लास के लिए बड़ा चुनावी वादा भी किया। कमला हैरिस ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो मिडिल क्लास के लिए टैक्स में कटौती करेंगी। वो पहली अश्वेत महिला होंगी ऐसा करने वाली। इससे अमेरिका में रहने वाले 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। और फिक्र आपकी में अब रफ्तार से देश दुनिया की टॉप 9 खबरें। जम्मू कश्मीर चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहले चरण के चुनाव के लिए 9 सीटों पर हुई चर्चा, 5 सीटों पर नाम तय। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ सीटों पर पेंच फंसा, सूत्रों के हवाले से खबर।
वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सभी प्रमुख मुस्लिम संगठनों का संयुक्त बयान, सरकार वक्फ संशोधन विधेयक वापस ले, बिल को बताया वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश। कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय की आज सियालदह कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, कोर्ट के सामने लोगों ने लगाए संजय रॉय को फांसी दो किनारे। गुरुग्राम में हुई हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, सभी 90 विधानसभा सीटों पर हुई चर्चा, कई सीटों पर उम्मीदवारों का सिंगल नाम का पैनल जबकि कुछ सीटों पर 3 से 4 नाम का पैनल बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल, जिसमें सभी एलोपैथिक डॉक्टरों का डेटाबेस शामिल होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। मुंबई के पवई इलाके में बीएमसी की पाइपलाइन फटने की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, पानी की मार से कई घरों की छत टूट गई, गौतम नगर के कई घरों में पानी भर गया। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, तस्वीर में सोनिया राहुल के पेट डॉग नूरी के साथ आ रही है नजर, राहुल ने कैप्शन में लिखा मां का फेवरेट। नीरज चोपड़ा ने चैट के बावजूद ओलंपिक से भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे, 89.49 मीटर थ्रो के साथ सीजन का बेस्ट प्रदर्शन किया, पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर थ्रो किया था। नेपाल में भारतीय बस नदी में गिरी, 14 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा लोग सवार थे, पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ यह हादसा।